नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं प्लाजो। प्लाजो की वीडियो मैंने पहले भी दो तीन डाली हुई है। ये डिफरेंट स्टाइल है थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास बना हुआ प्लाजो होता है, उसकी फिटिंग हमें बहुत अच्छी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला प्लाजो बनाना है। जैसे कई लोग होते हैं, उनको हिसाब नहीं आता कि कटिंग किस हिसाब से करनी है, कितना मार्जिन लेना है, तो आप इसके हिसाब से, बने हुए प्लाजो के हिसाब से आप कपड़े पे कटिंग करके बना सकते हो। इसके लिए मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। 2.5 मीटर कपड़े को हम इस तरह खोल लेंगे पहले। अब पहले ये कपड़ा डबल है, तो इसे हम इस तरह 4 लेयर में कर लेंगे। इस तरह हमने कन्नी से कन्नी मिलाकर इसको तह लगानी है। अब जो खुली साइड है वो मेरी साइड है, वो वाली साइड जो बंद है। अब हम प्लाजो को दो तरह से कट कर सकते हैं। एक तो हम बिना सिलाई के बंद वाली साइड में रख के कट सकते हैं। तो उसके लिए ये रहेगा कि आपने ये साइड है बंद वाली, इस साइड रखनी है, इस साइड। अगर आप एक सिलाई देना चाहते हो साइड वाली, लेकिन मैं दोनों सिलाइयां देना चाहती हूँ। जो बंद वाली साइड होगी वो इस तरह रख लेंगे अगर हम यहां से नहीं कट कर रहे हैं। अब हम जो कटिंग कर रहे हैं वो खुली साइड से करेंगे। तो इस प्लाजो को हमने इस तरह रखना है। और जो ये देखिए शेप आपको दिख रही होगी, हल्की सी यहाँ पे शेप है। अगर शेप नहीं आपका सीधा है तो आप सीधा रख लीजिए। मेरे वाले प्लाजो में थोड़ी सी शेप है, तो मैं उस हिसाब से ही रखूंगी। ऊपर आपने 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखना है, यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ देना है फोल्डिंग के लिए। और देखिये यहां से आपको थोड़ा तिरछा लग रहा होगा, वो इस वजह से क्योंकि इसमें इलास्टिक डली हुई है। हमने जो आसन कट करना है वो इस हिसाब से यहां से कट करना है। अब यहां से कपड़ा बिछ गया है, ऊपर से 2.5 इंच हमने छोड़ दिया है एक्स्ट्रा के लिए, फोल्डिंग के लिए। अब हम पहले निशान लगा लेते हैं, जैसे कि इसके 1 इंच आगे निशान लगाएंगे इस तरह। अब यहां से 1 इंच छोड़ के निशान लगाएंगे। ये हमने एक्स्ट्रा लेना है सिलाइयों के लिए। पूरे में हमने 1 इंच का मार्जिन साइन लगाना है। और अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पे रेडी है। और यहां से हम 2.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लेते हैं फोल्डिंग के लिए। अगर आप नीचे कम फोल्ड करना चाहते हो तो आप कम ले सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा फोल्ड करती हूँ, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब यहाँ पे जो आसन लगेगा वो इस तरह लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो आसन लगेगा वो 2 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। यहां से आपको लगेगा अनइक्वल है, लेकिन यहां से जो चल रहा है वो सीधा चल रहा है। अब यहाँ पे हम इसको गोलाई दे देंगे और ये इसकी कटिंग का हिसाब है। इस साइड जो कम हो रहा है वो इलास्टिक की वजह से हो रहा है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, हल्की सी यहाँ पे आप शेप डाल सकते हो अगर आपके प्लाजो में है, अगर आप पसंद करते हो थोड़ा सा टांग की तरफ से टाइट। तो ये मैंने थोड़ा सा बेल बॉटम हल्का सा दिया है, बिल्कुल 1 इंच का। अगर आपने देना है तो, नहीं तो स्ट्रेट कट भी कर सकते हो। इसे अब हमने कट करना है। अब हम इसकी यहां से कटिंग करना शुरू कर देते हैं। देखिए आसन की तरफ से हम कटिंग कर रहे हैं, यहां से कटिंग कर देते हैं। और ये प्लाजो जो बनेगा वो बिल्कुल इसी हिसाब से बनेगा। ये देखिए यहां से भी हमने एक्स्ट्रा लिया है थोड़ा सा मार्जिन, ये देख सकते हैं, थोड़ा सिलाई का मार्जिन लेना है आपने। ये एक्स्ट्रा कट कर लिया हमने, इसको हटा देते हैं कपड़े को। अब यहां पे इसे कट कर देते हैं, ये कट गया है। अब हमने यहाँ पे कट कर देना है, ये नॉचिस लगा देने हैं छोटे छोटे, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से हमारा ऊपर का कपड़ा फोल्ड होगा। यहाँ पे हल्की सी मेरी शेप है, मैं वो दे देती हूँ। ये लीजिए हमारा प्लाजो कट के रेडी है। अब हमने सिर्फ इसे स्टिच करना है। ये लीजिए कटिंग हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए कि हमने कटिंग ठीक की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलेंगे किसी नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।